नमस्कार जी, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। CBSE बोर्ड की अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है। रिजल्ट का इंतजार ख़त्म कर दिया है CBSE व हरियाणा बोर्ड ने, और फॉर्मूला भी यहाँ पर बदला गया है। फिक्स डेट आप यहाँ पर देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। वीडियो देखिएगा अंत तक, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरी खबर से पहले देखिएगा एजुकेशनल ऐप के बारे में। पढ़ाई में आते हैं आप सभी को डाउट, 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ कीजिए उन सभी को आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचे, क्रॉप करें, सेंड करें, तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाएं। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर किसी अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि क्लास 6 से 12, IIT, JEE, मेंस, एडवांस, नीट्स, सभी सवालों के जवाब आपको 5 सेकंड में मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। इसी के साथ साथ चल रही हैं यहाँ पे डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही इसका हिस्सा बने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए। पहले यहाँ पे देखिएगा CBSE बोर्ड का, यहाँ पे स्कूल स्तर पर पिछले 3 साल के परीक्षा परिणामों का आकलन होगा। 3 साल में स्कूल के सबसे अच्छे प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण, जैसे कि 26%, 27 से 40 तथा 40 से 50% इत्यादि के आधार पर रिजल्ट कमेटी को परीक्षा परिणाम अपलोड करना होगा। और यहाँ पे हरियाणा बोर्ड वाले देखिएगा भाई, हरियाणा बोर्ड इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्कूलों से मिले अंकों के अनुसार बोर्ड थ्योरी के अंकों को शामिल कर परीक्षा परिणाम जारी करेगा। बोर्ड भी उसी अनुपात में अंक देखकर परीक्षा परिणाम घोषित करना प्रस्तावित है। यहाँ पे दोनों बोर्ड ने अपना साफ रुख कर दिया है कि हम किस आधार पे इस बार रिजल्ट निकाल रहे हैं। और आप सभी को बता देते हैं, CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो 10वीं का रिजल्ट है, ये आपका 1st week July में जारी होने वाला है। और हरियाणा बोर्ड की बात करें तो हरियाणा बोर्ड का जो 10वीं का रिजल्ट है वो 15 जून तक जारी हो जाएगा। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, 15 जून तक जारी कर दिया जाएगा। जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती होगी आपको मिलती रहेगी। चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।